वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओबी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर और उसमें हम देख रहे थे इंडिया के कुछ मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम वीट के बारे में, गेहूं के बारे में। तो वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप्स इन इंडिया, फर्स्ट वन इज़ राइस और विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है 50 to 75 सेंटीमीटर इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअल रेनफॉल। और टू मेन रीज़न जहाँ पे वीट ग्रोइंग जो एरियाज़ हैं वो है आपके गंगेटिक सतलज प्लेन इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक क्ले रीजन ऑफ द डेकन, ठीक है। ये टू मेन वीट ग्रोइंग एरिया है। द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट इज ट्रिटिकम एस्टिवियम एंड द नेम ऑफ द फैमिली इज ग्रैमिनी। गेहूँ और चावल आपके वीट राइस दोनों ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। Presently, Triticum aestivum species are cultivated all over the India and credit goes for the development for this species goes to Dr. Norman Borlaug, ठीक है। Dr. Norman Borlaug इनको जो है Nobel Prize भी मिल चुका है और साथ ही ढेर सारे अवार्ड हैं जो इनके नाम पे दिए जाते हैं और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो ये Triticum aestivum है इसको डेवलप किया था मैक्सिको में। आगे देखते हैं कुछ, देखिए गेहूं के स्पीसीज़ के, वीट के स्पीसीज़ के कुछ नाम हैं, ये देख लीजिएगा। सोनोरा 64, सोनोरा 63, लर्मा रोज़ा, ठीक है, ये सारे स्पीसीज़ हैं। आगे देखते हैं और ट्रिटिकल इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन वीट एंड राई, वीट एंड राई के क्रॉस से ट्रिटिकल नाम की स्पीसीज़ है। आगे है रास 3077, इट इज़ अ स्पीसीज़ ऑफ वीट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं गेहूं के बारे में। ये एक जो मैकोरानी वीट है ट्रिटिकम डरम, इट इज़ सूटेड फॉर द नॉन इरिगेटेड कंडीशंस, ठीक है। नॉन इरिगेटेड सूखा क्षेत्रों में ये मैकोरानी जो वीट स्पीसीज़ है ये इसके लिए सूटेबल है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ठीक है, नॉन इरिगेटेड कंडीशंस में, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है हार्ड वीट का, ओके। रस्ट इज अ मेजर डिजीज ऑफ वीट क्रॉप, रस्ट इज अ मेजर डिजीज ऑफ वीट क्रॉप। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड ब्लैक रस्ट, एंड करनाल बंट इज ऑल्सो ए डिजीज ऑफ वीट। सो रस्ट एंड करनाल बंट ये दोनों जो हैं वीट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने चावल से रिलेटेड डिजीज़ देखा था खैरा, ओके। आगे देखते हैं आइसोप्रोट्यूरॉन, ठीक, इट इज़ यूज्ड टू इन डिस्ट्रॉय द वीट कॉल्ड फैलरिस माइनर, आल्सो नोन एज वीट मैटरनल अंकल, यानी गेहूं का मामा, ठीक है। जो फैलरिस माइनर होता है इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन नामक एक हर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक। ये दोनों बिल्कुल याद किए रहिएगा, फैलरिस माइनर एंड आइसोप्रोट्यूरॉन। आगे देखते हैं वीट कॉमनली कंटेन्स 8 to 5% प्रोटीन, 65 to 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% फैट एंड 2% ऑफ मिनरल्स। आगे है अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लूटिन इज फाउंड इन हाई क्वांटिटी इन द वीट, ठीक। ग्लूटिन जो है हाई क्वांटिटी में पाया जाता है वीट में। विटामिन B1, B2, B6 एंड E आल्सो फाउंड इन वीट। नेक्स्ट है आपका, वीट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर पैडी इन द बोथ टर्म एरिया एंड प्रोडक्शन, ठीक। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप, 50% ऑफ टोटल एरिया एंड 70% ऑफ टोटल प्रोडक्शन अमंग इज द ऑल द रबी क्रॉप्स ग्रेन बिलोंग्स टू द वीट ओनली। जितनी भी रबी फूड ग्रेन्स हैं उसका टोटल परसेंट ऑफ द एरिया एंड 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ये वीट का होता है, गेहूँ का होता है, ठीक। और द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया वॉज ऑन वीट क्रॉप्स, ओके। अब इसकी कुछ मेजर वेराइटीज़ देख लेते हैं, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर,
भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गिरजा, गोमती, प्रभानी, कल्याण सोना, मैकरोनी, राज, ये उसके मतलब ये वीट की कुछ फेमस वेराइटीज़ हैं। ठीक, ICAR द्वारा डेवलप्ड, ठीक है, सम लेटेस्ट वेराइटी ये है आपकी UP 308, पूसा सिंधु गंगा, VL 829, HS 420, HS 335, ठीक है, ये सारी जो हैं लेटेस्ट वेराइटी ऑफ वीट हैं। ठीक, IEAR यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 2015 में कुछ वीट डेवलप किए गए थे, कुछ वेराइटी डेवलप की गई थी, वो है आपकी पूसा किरण, नीलगिरी खापली, पूसा मालवी, HD 3117 एक्सेट्रा, ये जो हैं ये आपकी कुछ IARI द्वारा डेवलप वेराइटी हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पूसा बेकर नामक वेराइटी डेवलप की गई है ICAR द्वारा, ये इट इज़ डेवलप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम हैं ये याद कर लीजिएगा, कुछ फेमस वेराइटी ये यहाँ पर रही, सोनालिका, अर्जुन वगैरह, पूसा बेकर है, ये आपका बिस्किट के लिए यूज़ होता है, आगे आपका है इसी तरह कुछ कुछ फेमस चीज़ें, और ये इनके नाम बेसिकली आप याद किए रहिएगा। तो ये रहा आपका गेहूँ के बारे में, वीट के बारे में। अब आगे देखते हैं मैजे। ठीक,